वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप। और ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। और ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर टू है, तो इसको देखते हैं। और प्लीज जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। और भी बहुत सारी टॉपिक की वीडियोस जो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, सारी वीडियो अवेलेबल है, धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। आपको चैनल का कुछ नहीं जा रहा, आपको चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, एंटरटेनमेंट बहुत सारे चैनल होंगे, डांस बहुत के होते हैं, तो फूड वूड वगैरह सब देखने के लिए आप उस चैनल को बहुत अच्छे मन से देखते हो। ये आपके बच्चे और आपके लिए, या आप स्टूडेंट हो जो भी हो, आपके लिए बहुत ज्यादा, ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे आपके क्या होगा, फ्यूचर बनेगा। इस पे आपके पढ़ाई से अलावा कुछ भी और मटेरियल नहीं पड़ता है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, ये है सोशलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था, तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो एक सेकेंड में रेड मार्कर निकाल लूं। तो ये आ गया मेरे पास रेड मार्कर। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ द 1917 हैज बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि जो 1917 में यानी कि जो उसके इवेंट थे वो किसमें थे, विश्व इतिहास में प्रसिद्ध थे। यानी कि एक प्रसिद्ध थे वो कौन थे, द रशियन रेवोल्यूशन, यानी रशियन इसको बोलते हैं क्रांति, और रूस की क्रांति। इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द पावरफुल आइडियाज एंड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। आपने इससे पहले जो चैप्टर पर रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, समानता और यानी कि उसकी स्वतंत्रता और समानता जो उसकी है वो किस तरीके से, आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ रखा। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते चलिए, इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। तो इन पॉइंटों को आप नोट करिए, फिर बढ़े आगे, क्योंकि अभी बहुत मैटर है लिखने के लिए, जल्दी आप करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, सबसे पहले राजा राममोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पास्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। यानी जो राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने क्या करा, अपने अपने मेन इवेंट दिए और सिग्निफिकेंस के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में अलग अलग तर्क और आइडिया और डिबेट भी किए। नेक्स्ट है किसमें, यूरोप में, इन यूरोप सैल सोसाइटी वॉज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट। जो हमारा यानी कि कौन सा हमारा यूरोप में यानी किसमें डिवाइड है, वो है सेल्फ सोसाइटी। सोसाइटी कितने पार्टों में डिवाइड है, वो है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। अब पढ़ेंगे हम लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो इसको आप नोट करिए, फिर पढ़े आगे। और हाँ, मैंने आपके क्वेश्चन जो है फोर्थ चैप्टर के, वो मैंने आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को देखना है। वीडियो देखने के बाद में आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू है उनके लिए भी मुझे मटेरियल प्रोवाइड कराना है। तो उनके लिए मैंने वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए हैं आपके ग्रुप पर, तो आप यूट्यूब में जाके कहीं भी देख सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन सारे विद आंसर मिल जाएंगे। सारे अपने कॉपी में नोट करने हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और सारे क्वेश्चन न्यू लिख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो न्यू आए, इसलिए मुझे दोबारा वो करवाने पड़े। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़े आगे। नेक्स्ट आते हैं लिबरल्स, देखते हैं। तो लिबरल्स क्या होता है, लिबरल्स वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। यानी जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या करा था, सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। वो कौन थे, वो थे लिबरल्स, यानी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। अब आते हैं रेडिकल्स, देख रहे हैं रेडिकल्स वर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। यानी रेडिकल्स थे वो अनदर ग्रुप को, यानी जो रेडिकल्स वर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु, यानी कि जो अनदर ग्रुप था और वो जिनको वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी, जो अदर ग्रुप के लोग थे उनको चेंज करना चाहते थे। नेक्स्ट सोसाइटी हो गया, द वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी कि वो चाहते थे जो उसकी यानी जो मेजोरिटी है, जो मिश्रित पीपल बेस्ड गवर्नमेंट है, उन कंट्रीज की पॉपुलेशन को भी उस राष्ट्र से जोड़ लिया जाए और उनको भी एक अलग सोसाइटी में
रखा जाए, उसमें के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप बनाते थे और अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए उनको ये सारी सोसाइटी प्रोवाइड कराई जा रही थी। अब आते हैं थर्ड, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट है कंजर्वेटिव्स। इसमें कंजर्वेटिव्स भी आया, दिस ग्रुप वॉज अगेंस्ट रेडिकल्स एंड रेबल्स। अब रेडिकल्स एंड रेबल्स ये क्या थे, तो कंजर्वेटिव्स में क्या था, दिस ये ग्रुप जो है वॉज अगेंस्ट रेडिकल्स एंड रेबल्स। ये जो ग्रुप था किसके विरुद्ध था, रेडिकल्स और रेबल्स, यानी कि वो दोनों ग्रुप किसके लिए समझौता करना चाहते थे, एक अलग चेंजेस के लिए चाहते थे, सोसाइटी के लिए चाहते थे, अदर गवर्नमेंट के लिए चाहते थे, वो सब उसमें रेवोल्यूशन था। कौन से हम बात कर रहे हैं, यूरोप में, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, दे वर अगेंस्ट, उद्रुत थे एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, यानी वो पहले किसी कारणवश से विरुद्ध थे, किसके अगेंस्ट कहते हैं, विरुद्ध किसी भी कारण या किसी भी प्रकार से वो किसके विरुद्ध थे, रेडिकल्स और लिबरल्स के बीच। नेक्स्ट है, बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे हैड ओपेंड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंजेस, यानी कि बट लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दे हैड ओपेंड, उन्होंने बोला देयर माइंड, अपना माइंड टू द नीड फॉर चेंजेस, यानी चेंजेस की जरूरतों के लिए, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने अपना माइंड खोला, किसके लिए खोला, फॉर चेंजेस, यानी चेंजेस के लिए, परिवर्तन के लिए। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होगा, ये है हमारी हेडिंग, और जो मैंने इतना लिखा है बेसिकली वो आपको क्या है, वो अदर चैनल पे जितना मैंने आपको इसमें 6 से 7 मिनट में लिखा है, बताया है, उतना आपको वो कम से कम 30 मिनट में बताएंगे, जितना मैंने आपको लिख दिया यहाँ, क्योंकि मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट टू में डिवाइड। ये जो पार्ट चल रहा है हमारा पार्ट वन है, इसके बाद में आएगा पार्ट टू, इसलिए मैं इसको, क्योंकि थोड़ा, और आपको पता है मेरी जो आदत है वो थोड़ी फास्ट बोलने की है, इसलिए मैं इसको फास्ट बोल रहा हूँ। अगर मैं धीरे बोलूंगा तो इतना ही मैं आपको एक एक पार्ट बता पाऊंगा, वो 1 घंटे हो पाएगा। अगर मैं धीरे बोलूंगा तो आपको पता क्या होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कम से कम 2 से 2.5, और आपको पता है मेरी जो वीडियो होती है कम से कम आधे और 1.5 घंटे की होती है, और मैं अगर धीरे धीरे बोला तो मेरी वीडियो कम से कम जाएगी 1 या 1.5 घंटे की, आप बोर हो जाओगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं अगर ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो आप मेरी जब मैं वीडियो डालू अपलोड करूँ तो आप जाके देख लेना, वहां मेरी वीडियो पड़ी हुई होंगी, कहीं 1.5 घंटे की होगी, कहीं 1 घंटे की, 1 घंटे से 2-4 मिनट कम होगी, आधे घंटे 1.5 घंटे के बीच में होती है, इससे कम मेरी वीडियो कोई नहीं होगी, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमेंट क्वेरी हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं, कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो तो जरूर करके बताएं कि मुझे सर इसमें प्रॉब्लम है, आप देखो कुछ भी नहीं, आपको कह सकते हैं कि जितने भी हैं आपको बिल्कुल कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना है, बस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है बस, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बताना। अब इन पॉइंटों को आप कर लो नोट, फिर मैं बढ़ू आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो मैंने अभी आपको हेडिंग दिलवाई थी, ऑल आइडियोलॉजिकल सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू टाइम इनफैक्ट। अब ये क्या, ऑल द आइडियोलॉजी सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड वर द साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू टाइम्स, यही नए समय में क्या हुआ था, नई नए आइडियोलॉजी बने थे और नए नए उस पर विचार, नए नए ट्रेंड्स आए थे, शुरुआत तौर में ऐसे हुआ था न्यू टाइम में, तो इनफैक्ट वास्तव में इट वॉज द टाइम ऑफ कम्प्लीट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये इनफैक्ट वास्तव में इट वॉज द टाइम ऑफ द कम्प्लीट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ब्रॉट बाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो चेंजेस ये आए थे, कम्प्लीटली सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, वो आए थे किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट विद इट सम इविल इफेक्ट एज वेल, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट विद इट सम इविल इफेक्ट एज वेल, यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उसने कुछ अपने इफेक्ट या एज वेल एज की कुछ भी इफेक्ट अपने डाल सकता है, कुछ भी तौर तरीके डाल सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, तो वो किसमें कर सकता है, वो है, इसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। वैसे भी इससे पहले मैंने बहुत वीडियो अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, कम वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहे 1 घंटे की वीडियो बना लूं, चाहे 2 घंटे की वीडियो बना लूं, आप लोग उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था पहले, कुछ बच्चों ने कम दिया था,
तो आप लोग क्या करते हैं, नोट्स को बस कॉपी करते हुए चलते हैं, वीडियो कम देखते हैं। तो वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो जितनी ज्यादा आप देखेंगे आपको उतनी ज्यादा चीजें याद होंगी, क्योंकि मैं 3.5 घंटे से लगातार वीडियो बना रहा हूँ। लगातार वीडियो मेरे पास 3.5 घंटे की हो गई और कलर जाके अगर मैं देखूंगा तो मेरे को 5 घंटे से, यानी कि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। यही क्लास नहीं है मेरे पास, और भी चीजें हैं। मैंने अभी मैथ की वीडियो अपलोड करनी है, इससे पहले मैंने अभी साइंस की करी थी, इससे पहले मैंने एनसीएल हिस्ट्री की करी थी, इससे पहले मैंने हिंदी की भी करी थी। तो ये जितने मैं लगातार आपको, तो मैं 5 घंटे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले वीडियो इतनी है, आप भले चाहे 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, उसको वीडियो देख लो। मैं 1 घंटे तक का वीडियो बनाता रहूं, 2 घंटे तक बना लूं, आप उस वीडियो को ना देखो तो उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं ये देखूंगा कि मेरी वीडियो सबसे ज्यादा देख कौन रहा है, और आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना, फिर मैं वीडियो उसी हिसाब से बनाऊंगा। अब मैं ये वीडियो थोड़ी, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, यानी पार्ट 2। इसको इस वीडियो में मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट इस वीडियो को मेरी देख रहा है। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है उसको क्या करना है, नीचे बस कमेंट करना है, मैं समझ जाऊंगा हाँ वो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है। मुझे अभी तो पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, पता चले। मैं वीडियो बनाता जाऊं, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखो तो उससे वो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो और जो स्टूडेंट बैठे हुए उनके लिए मैं टाइम अप्रोच करूं, जैसे अभी आपका 9th क्लास है तो मैं 10th के लिए वीडियो बनाऊं या 8th क्लास के लिए वीडियो बनाऊं, तो उनके लिए अपना टाइम अचीवमेंट उधर करूं। तो मुझे क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो कम कर दूंगा, लेंथ उनकी कम कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, वीडियो के बाद में कमेंट करना, कमेंट करके बताना है, और नीचे कमेंट में क्या करना है कि यस सर मैं वीडियो देख रहा हूँ, और बस आपको बस कुछ भी नहीं करना है, कमेंट इतना भी लिखने की जरूरत नहीं कि यस सर मैं वीडियो देख रहा हूँ, आप बस कमेंट कर देना है, आपका नाम शो हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, थैंक्स लिख देना, कुछ भी लिख देना है, वीडियो लिख देना, बस कमेंट करना, और मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर इसके बाद में आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड होती, वीडियो तो लगातार हो ही रहेंगे, जितनी वीडियो मैं कर रहा हूँ आपके पास, बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, 35 से 36 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, बस कमेंट करना, मुझे बताना, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।